इसका फाइनल आउटपुट हमको एक क्रिएट तो करना ही पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? ओके, तो सिंपल हमने ये आप इधर लाइब्रेरी पहले में देख सकते हो कि एक एक्सपोर्ट का हमको एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया। ओके, अभी जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपको एक और डिस्प्ले पे एक और एक चीज़ आएगी, नेम, सेव टू, रिजोल्यूशन, नेम, फ्रेम रेट, साइज और ड्यूरेशन। ओके, ड्यूरेशन हमको दिखा रहा है 1 मिनट का वीडियो है तो 1 मिनट दिखा रहा है इधर। साइज इसकी होगी 58 MB, फ्रेम रेट होगा 25 फ्रेम पर सेकेंड, रिजोल्यूशन होगा जो बेस्ट सेटिंग है उसकी 1920x1080, तो बहुत बेस्ट रिजोल्यूशन है। सेव टू में क्या होगा, आपको वीडियो को फाइनल आउटपुट की जो भी लोकेशन देनी हो तो वो भी आप देख सकते हैं, और नेम लास्ट में वीडियो का क्या नेम है तो वो भी हम वीडियो का नेम दे सकते हैं। और अगर हम साइड में देखने जाए बहुत सारे फॉर्मेट हमको मिल जाते हैं, जैसे कि MP4, MKV, MOVAVI, बाद में GIF, बहुत सारे ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, MP4 इज द बेस्ट ऑप्शन, तो हमें जनरली MP4 ही क्रिएट रखने का, बाई डिफॉल्ट भी हमेशा MP4 ही होता है। ओके, वीडियो का मैं रीनेम कर रहा हूँ, मैंने टाइगर लिख दिया इधर, और सेव टू में मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं अपने डेस्कटॉप पर ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके, अभी और मैंने सिलेक्ट फोल्डर कर दिया और मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मेरे सामने कि एक और एक डिस्प्ले ओपन हुआ है। अभी इसमें दिखा रहा है कि 1 मिनट एंड 15 सेकेंड्स इसको रेंडर होने में लगेगी, मीन्स आफ्टर 1 मिनट यू विल सी योर फाइनल आउटपुट, सो दिस इज अमेजिंग। ओके, तो अभी हमने इसको एक्सपोर्ट करने रख दिया है। अभी सपोज आपके 2 घंटे के वीडियो आप एडिटिंग कर रहे हो, ओके, तो इसको लगभग 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स एडिटिंग में हो सकते हैं रेंडर करने के टाइम। ओके, अभी सपोज मेरा वीडियो 1 मिनट का था तो इसको समथिंग 1 मिनट या फिर 2 मिनट लगेगी इसको रेंडर होने में, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो ये था पूरा अपना फिल्म और एडिटिंग बेसिक डिस्कशन, जिसमें हमने 10 इम्पोर्टेंट टूल्स देख लिए हैं। ओके, फर्स्ट टूल क्या था, इम्पोर्ट करना, सेकंड कट करना था, थर्ड क्रॉप करना था, फोर्थ टूल था कैसे फास्ट एंड स्लो करेंगे, फिफ्थ टूल था ट्रांजिशंस इफेक्ट कैसे ऐड करेंगे हम अपनी वीडियो में, सिक्स्थ टूल था डीनोइस इफेक्ट कैसे ऐड करेंगे वो भी हमने ऐड करके देख लिया, सेवन टूल था कि हम वॉइस कैसे इंक्रीज करेंगे वो भी हमने इंक्रीज करके देख लिया है, एट टूल क्या था, लोअर थर्ड्स, टाइटल्स, ओपनर्स कैसे हम वीडियो में ऐड करेंगे वो भी हमने ऐड करके देख लिया, नंबर 9 टूल था ग्रीन स्क्रीन का, वो भी हमने ग्रीन स्क्रीन में बहुत अच्छी तरह से देखा, और लास्ट टूल क्या था, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स क्या, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि पूरा जो हमारा जो कंटेंट एडिट किया हुआ है हमने, सपोज वीडियो में हमने ट्रांजिशन इफेक्ट्स, ऑडियो, बहुत सारे कंटेंट हमने ऐड किया, लोगो भी ऐड किया, पोडियम भी ऐड किया, बहुत सारी चीज़ हमने ऐड की एडिशनल। ओके, बाद में वो सब चीज़ का एडिशन होता है, और जैसे एडिशन होता है तब हमको फाइनल एक प्रोडक्ट मिलती है। ओके, तो ये था एक्सपोर्ट। ओके, तो अभी मेरा ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है, और अभी मैं देखने जाऊँ तो मेरा जो लोकेशन था डेस्कटॉप पे, ये वीडियो मेरे को परफेक्ट देखने को मिल जाता है। ओके, तो अभी ये वीडियो में आपको जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका फाइनल आउटपुट, जो मैंने रेंडर किया था आपके सामने, मैंने जो अभी वीडियो रेंडर किया था 1 और 2 मिनट का जो टाइम लिया है इसने एडिट होने में। ओके, जो मैंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव की थी, एक टाइगर को मैंने इधर से उधर चलाया था, बाद में एक बाजीराव मस्तानी का एक शॉर्ट वीडियो था, हमारा एक प्रोडक्ट फाइनल हुआ। तो अभी मैं वो वीडियो प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, उसकी क्वालिटी दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो प्लीज़ देखिए। जीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लाड़। एज सच ये वीडियो का कोई मीनिंग है नहीं, ऐसा नहीं कि ये बहुत मैंने प्रोफेशनल एडिटिंग किया है, कहते हैं बहुत नॉर्मल एडिटिंग किया है, इसमें इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये आदमी बोल रहा है और मैंने उधर से क्लाइंट चला दिया है तो इसका कोई मीनिंग होगा। ये बस मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको कैसे ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं और कैसे रेंडर हुआ है, इसकी क्वालिटी क्या है, बस यही दिखाने के लिए मैंने ये एडिटिंग किया है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिल्मोरा सॉफ्टवेयर, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।